हमारी ब्राइट है जिसको आज मानसी ने तैयार किया है, मेकअप आर्टिस्ट है, लैक्मे मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका लुक बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। सौम्या नाम है हमारी मॉडल का और ये बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है इनका, बिल्कुल नया लुक। हम मुझे लग से चाहूँगी कि आप लोग को भी अगर मेकअप चाहिए तो प्लीज़ मुझसे ऐसे मेकअप के लिए मुझसे संपर्क करें। मेरे पार्लर का नाम निखार ब्यूटी स्पा सलून है। आप मुझे कमेंट्स करके नंबर ले सकते हो, व्हाट्सअप से मेरे संग जोड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, वहाँ जाकर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा मेकअप देख सकते हो और मुझसे कांटेक्ट करके अपने लिए बुकिंग ले सकते हो। मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दूंगी और आपका बहुत बहुत ही अच्छा मेकअप भी होगा जो सुबह तक ऐसे ही रहे।
तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने लहंगे का लुक जो है, दुपट्टे को देखिए किस तरह मैंने अटैच किया है इनके, और नए तरह का दुपट्टा दिया है मैंने, पूरा टक किया है साइड में। आजकल जो हमारी ब्राइट है वो दो दुपट्टा लेती हैं, तो अगर वो चाहें तो इस कॉर्नर पे दूसरा दुपट्टा टक करवा सकती हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा मेकअप, मेरी ब्राइट का मेकअप। आपको कैसा लगा? आप इनका हेयर स्टाइल भी अगर देखो तो हेयर स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही सुंदर इनके चेहरे पे हेयर स्टाइल लग रहा है। और मेकअप में आप साइनर देखो, जो कि आजकल बहुत डिमांड रहता है, तो साइनर भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लगाया गया है। और ज़्यादा भड़कीला सा मेकअप नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी हमारी ब्राइट सौम्या लग रही है। मैं सौम्या से भी जानना चाहूँगी, सौम्या तुम तो मॉडलिंग का भी काम करती हो ना, तुमने बहुत जगह मेकअप भी करवाया है, बनारस में भी बड़े से बड़े पार्लर में तुमने मेकअप करवाया है, क्योंकि तुम सूट करती हो। तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ सौम्या, कि आज का मेकअप जो कि 1.5 घंटे में उसने कम्प्लीट किया मानसी ने, तुम्हें कैसा लगा? पहले तो मैं दर्शकों को नमस्ते कहूँगी, और मुझे मानसी जी का मेकअप बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने एक दो जगह मेकअप कराया है, तो वहाँ क्या होता है कि ऐसा लगता है कि चेहरे पे यानी स्किन पे कितना मेकअप जैसे थोपा हुआ है, रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है, मतलब अलग सा फीलिंग आता है। हाँ, चेहरा काफ़ी भारी भारी सा लगता है, सर दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन मैंने मानसी जी से मेकअप कराया तो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉर्मली मैं अपने घर से रेडी होकर के ऑफिस के लिए निकलती हूँ, बिल्कुल मैं वैसा फील कर रही हूँ। और इसने जो है लिक्विड फाउंडेशन से, पैक के लिक्विड फाउंडेशन से बेस तैयार किया है, और वो भी फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ, मैं भी अपने ब्राइट पे यूज करती हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है वो आसानी से हमारे चेहरे पर बेस बनाता है, और जो हैवी हमारा क्रीम बेस ये होता है, बेस होता है, इसको हमको मर्च करने में, फैलाने में काफ़ी वक्त जाता है, अच्छे से मर्च नहीं होता, काफ़ी समय लेता है ये, और उसमें ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र मिलाना पड़ता है ना सौम्या? और ये बहुत आसानी से, बहुत लिक्विड होता है तो बहुत आसानी से फैलता है हमारे चेहरे पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत महंगे प्रोडक्ट से इसका मेकअप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ तक इनके आईलेसेस की बात करें, तो आपने देखा होगा बहुत ही मोटे मोटे ब्लैक आईलेसेस ब्राइट को लगाया जाता है। ये पैक का आईलेसेस है जो मानसी ने प्रयोग किया है, और पैक का आईलेसेस की कीमत इसमें 250 तक है, आप ले सकते हैं अपने लिए। काफ़ी अच्छा, मतलब आँख लग रहा है, एकदम ओवर नहीं लग रहा है। साइड में बहुत लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं किया गया है। तो मुझे कुल मिलाकर मेकअप बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे बताएं कि ये मेकअप आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मेरा मेकअप पूरा देखिएगा, और अगर मेरा मेकअप आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो बनाती रहूँगी। आपका बहुत सपोर्ट है, और 4 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई भी मनी नहीं मिली है। आपका सहयोग रहा तो मुझे पहला पेमेंट आने वाला है, कुछ ही समय बाकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखा करें, और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, अच्छा लगे तो शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद।